दोस्तों केपीएल सीजन 2 के हवाले से लेटेस्ट अपडेट यह है कि ओवरसीज वायर्स की मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 9 रन से मार। दोस्तों क्या है पूरा रिपोर्ट, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएगा ताकि आने वाली क्रिकेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। राज क्रिकेट न्यूज के साथ मैं हूँ राजू लगारी। दोस्तों कश्मीर प्रीमियर लीग यानी कि केपीएल के दूसरे सीजन के 13वें मैच में ओवरसीज वायर ने मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 9 रन से शिकस्त दे दी। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इवेंट के 13वें मैच में ओवरसीज वायर ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए। सिर्फ बदरदीन नाकाबले शिकस्त सबसे ज्यादा 57 रन बनाकर निमाया रहे। असद शफीक 23 स्कोर बनाकर दूसरे निमाया बैटर रहे। अरशद इकबाल ने 3 और सलमान फयाज ने 2-2 विकेट हासिल किए। 148 रन के अदब के ताकुब में मुजफ्फराबाद टाइगर्स की टीम मुकर्रर 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 138 रन ही बना सकी। अमीर हमजा 31, मोहम्मद हफीज 25 रन बनाकर निमाया रहे। फरहान शफीक और अली शफीक ने दो खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।